Welcome students, in today's class we will study the second X-linked disorder called as hemophilia. In last class we have studied color blindness, in today's class we will study hemophilia. Hemophilia is a X-linked disorder. It is recessive disease. It is recessive disease. तो normal person जो है normal उसमें capital H रहेगा तो डोमिनेंट जीन है तो इसमें नॉर्मल ये नॉर्मल हो गया और जिसको हीमोफीलिया है उसमें यहां पे स्मॉल रहेगा स्मॉल एच रहेगा ओके और जो कैरियर है मेल्स आर नॉट कैरियर क्योंकि उसका अल्टरनेटिव फॉर्म वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है so this is about male okay female में जो normal female रहेगी अब female में दो X chromosome है तो दोनों X chromosome के ऊपर capital H रहेगा hemophilia है तो small H रहेगा दोनों X chromosome के ऊपर और carrier है तो एक chromosome पे capital H रहेगा और दूसरे पे small H रहेगा दूसरे पे small H रहेगा okay तो देखो व्हाट इज हीमोफीलिया एक्चुअली जो हमारा ब्लड क्लॉट होता है जब हमको ऊंट या फिर इंजरी होता है तो दो या आठ मिनट के अंदर ब्लड को क्लॉट होना चाहिए लेकिन हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती ये जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया का ट्रेट एक्स क्रोमोजोम के ऊपर है एक्स क्रोमोजोम के नॉन होमोलॉगस रीजन के ऊपर इसका ट्रेट है ओके तो देयरफॉर दिस इज एक्स लिंक्ड जीन एक अच्छी भी बात है कि ये रिसेसिव डिजीज है ओके तो देखो नॉर्मल जो मेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल एच रहेगा तो पर्सन नॉर्मल है स्मॉल एच रहेगा तो हीमोफीलिया है मेल कैरियर मेल्स नहीं होते क्यों नहीं होते हैं क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ये डिजीज वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं रहता फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है तो यहां पे चांसेस है तो यहां पे अगर दोनों एच कैपिटल है तो समझ लेना फीमेल नॉर्मल है दोनों स्मॉल है तभी हीमोफीलिया होगा फीमेल को कब हीमोफीलिया होगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच रहेंगे और कैरियर कैसी रहेंगी फीमेल उसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एच रहेगा कैपिटल और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल एच रहेगा ओके तो अब हम इसका रेशियोज देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ हीमोफीलिक मेल मैरीज अ नॉर्मल फीमेल तो देखो हीमोफिलिक मेल मेल कैसा है हीमोफिलिक मैरिज नॉर्मल फीमेल ओके तो ये हो गया उसका फिनोटाइप आप देखेंगे इनका जीनोटाइप क्या होगा हीमोफिलिक मेल का जीनोटाइप क्या होगा देखो मेल मतलब एक्स वाई और हीमोफीलिया है मतलब इसके ऊपर एक स्मॉल एच रहेगा एक्स के ऊपर और फीमेल कैसी है नॉर्मल तो इसके ऊपर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल एच रहेंगे नॉर्मल फीमेल है गैमेट्स देखो गैमेट्स अब यहां पे दो टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे एक्स के ऊपर स्मॉल एच और दूसरा वाई तो यहां पे एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म होगा क्योंकि दोनों सेम है दैट इज एक्स विद कैपिटल एच तो सपोज पहले डॉटर हो गई डॉटर तो डॉटर जो है वो कैरियर बन गई कैरियर तो 50% चांस कैरियर डॉटर का है सपोज दूसरा सन हुआ
तो सन जो है वो नॉर्मल है 50% चांस उसका है। तो देखो जब हीमोफिलिक मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से होती तो 50% चांसेस कैरियर डॉटर के है और 50% चांसेस नॉर्मल सन के। तो सन होगा इनको तो नॉर्मल ही होगा, जब भी कभी सन होगा तो नॉर्मल होगा, और जब भी कभी डॉटर होगी तो वो कैरियर ही होगी। समझ में आया? कब होगा ऐसा? जब हीमोफिलिक मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से होती है। हीमोफिलिक मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से होती है। तो लोग फीमेल नॉर्मल है और मेल हीमोफिलिक है। चलो अब काम करेंगे, क्या होगा इस कैरियर डॉटर की शादी नॉर्मल मेल से होगी तो क्या होगा? अभी डॉटर पे सी है बेटा, कैरियर है, इसकी शादी नॉर्मल मेल के साथ करेंगे और देखेंगे क्या होगा। सो कैरियर डॉटर मैरिज नॉर्मल मेल, ओके, तो इनके जीनोटाइप होंगे ये कैरियर डॉटर और नॉर्मल मेल। अब ये गैमेट्स दो टाइप की बनाएगी, एक में होगा कैपिटल एच, दूसरे गैमेट में होगा स्मॉल एच। यहां पे भी दो टाइप के गैमेट्स होंगे, एक एक्स होगा विद कैपिटल एच और दूसरा वाई, वाई के ऊपर कोई एलील नहीं रहता उस इसका हीमोफीलिया का। तो सपोज ये पहली डॉटर है नॉर्मल 25% चांस, दूसरा सन हुआ वो भी नॉर्मल 25% चांस, तीसरी बेटी हो गई कैरियर 25% चांस, और लास्ट में सन हुआ। अब सन जो होगा यहां पे वो हीमोफिलिक होगा तो 25% चांस। तो सपोज यहां पे दो सन है और दो डॉटर है, तो नॉर्मल फीमेल एक हो गई, नॉर्मल मेल एक हो गया, कैरियर डॉटर एक हो गई और हीमोफिलिक सन एक हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे 25% चांस है। लेकिन याद रखो जब हम शुरू में क्या कहते हैं, नॉर्मल मेल की हीमोफिलिक मेल की शादी नॉर्मल फीमेल के साथ की, तो डॉटर कैरियर थी, सन नॉर्मल था। जब उसी कैरियर डॉटर की शादी नॉर्मल मेल के साथ होती है तो उसका सन हीमोफिलिक हो रहा है। इसका मतलब फादर से डिजीज डॉटर में गया, डॉटर कैरियर थी, डॉटर से डिजीज उसके सन में आ गया, तो फादर से ग्रैंड सन में वाया कैरियर डॉटर ये डिजीज ट्रांसफर होता है। सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो इसके ऊपर रेशियोज आएंगे, सीईटी में आएगा, नीट में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, हीमोफीलिया के ऊपर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। Now let us study about sex determination. Sex determination. Okay. तो directly हम क्या करेंगे? Sex determination in humans.
ये लेंगे। तो देखो, सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, ह्यूमन का एग्जांपल पहले लेंगे हम। तो ह्यूमंस में टोटल उनके सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। उसमें से 44 जो क्रोमोसोम्स है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, और सोमैटिक क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स। और जो वन पेयर होता है, मतलब टू क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स, और एलोसोम्स। अब ये जो दो क्रोमोसोम है, ओके, वो एक तो एक्स एक्स रहेगा या फिर एक्स वाई रहेगा। ये जो दो क्रोमोसोम है, ओके, ये तो एक्स एक्स रहेगा या फिर एक्स वाई रहेगा। ओके, तो देखेंगे सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। सपोज ये मेल फीमेल, ओके, तो मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, उसमें 44 क्रोमोसोम के साथ में एक एक्स और वाई क्रोमोसोम है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। फीमेल में 44 ऑटोसोम्स के साथ दोनों भी एक्स क्रोमोसोम है। ओके, तो देखा जाए तो मेल यहां पे हेटेरोगैमेटिक है, क्योंकि उसके बॉडी में 44 तो ऑटोसोम्स है लेकिन एक्स और वाई दो अलग क्रोमोसोम्स है। फीमेल में 44 क्रोमोसोम्स के साथ दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फीमेल होमोगैमेटिक है। होमो मींस सेम, यहां पे दोनों क्रोमोसोम सेम है। जब इनमें मियोसिस होता है, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, मेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, इन टेस्टिस और ओवरीज में जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो अब मेल दो टाइप के गैमेट बनाएगा, मेल जो है वो दो टाइप के गैमेट बनाएगा, एक में 44 का आधा 22 प्लस एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, और दूसरा जो गैमेट है उसमें 22 प्लस वाई क्रोमोसोम आएगा। फीमेल में सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनेगा, 22 प्लस एक्स। ओके, सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां पे फिर से 44 प्लस एक्स एक्स तो डॉटर हो गई। ओके, और सपोज यहां पे 44 प्लस एक्स वाई तो सन हो गया, तो यहां पे डॉटर और सन होने के चांसेस इक्वल है, 50-50% है। डॉटर और सन होने के चांसेस इक्वल है, 50-50% है। लेकिन डॉटर होगा या सन होगा वो मेल डिटरमाइन करेगा। कैसे? क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटिक है, मेल में वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम अगर एक्स के साथ चला गया तो डेफिनेटली सन का बर्थ होगा, है ना। हाँ, एक्स क्रोमोसोम मेल में, तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, सो एक्स क्रोमोसोम डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स, वाई क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स। क्योंकि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के साथ आ गया या फिर दूसरे एक्स के साथ आया तो फीमेल डॉटर ही पैदा होगी, लेकिन वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है। अगर वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ गया तो फिर वो डेफिनेटली सन होगा, समझ में आया। और ये कौन डिटरमाइन करता? मेल करता, क्योंकि मेल हेटेरोगैमेटिक है। सो दिस इज द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस, दिस इज द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। तो बेटा, जो सेक्स डिटरमिनेशन है ह्यूमंस में, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसी हो गई थी, ये हमारे बुक में दिया, लेट अस स्टडी दैट, हाउ द एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड। तो एक साइंटिस्ट है हैंकिंग, जर्मन बायोलॉजिस्ट हैंकिंग, इन 1891 उन्होंने क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी की स्क्वैश बग में, जिसका साइंटिफिक नेम है अनासा ट्रिस्टिस। ये साइंटिफिक नेम है, क्या है ये, इट इज अ स्क्वैश बग। ओके, तो
इस स्क्वैश बग की उन्होंने स्टडी की, इस स्क्वैश बग में उसको मिला कि 50% जो स्पर्म है दे रिसीव्ड अनपेड क्रोमोसोम व्हाइल अदर 50% डू नॉट रिसीव इट. हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी. ओके, और बाद में चला पता चला कि यही एक्स क्रोमोसोम है. बस आपको याद क्या रखना है कि एक्स क्रोमोसोम अर्लियर कॉल्ड एज एक्स बॉडी एंड दिस एक्स बॉडी फर्स्ट डिस्कवर्ड इन स्क्वैश बग कॉल्ड एज एनासा ट्रिस्टिस. तो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की? हैंकिंग ने इन 1891. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस एंड डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. Now let us study sex determination in birds. Sex determination in birds. तो बर्ड में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है ZW. ओके, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है ZZ. फीमेल कैसी है? हेट्रोगैमेटिक है ZW, और मेल कैसा है? होमोगैमेटिक है ओके ZZ. तो देखो यहां पे, तो फीमेल दो टाइप के गैमेट बनाएगी Z और W, मेल एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा Z. ओके, तो ये उनके गैमेट्स है. अगर फीमेल का Z मेल के Z क्रोमोसोम से आता है तब क्या होगा? फीमेल बर्ड मेल बर्ड फॉर्म मेल बर्ड पैदा होगा. ओके, और फीमेल का W अगर Z के साथ आ गया तो फिर फीमेल बर्ड जो है उसकी बर्थ होगी. तो चांसेस यहां पे भी कितने हैं? 50-50% है. यहां पे भी चांसेस कितने? 50-50. बस आपको याद क्या करना है कि इसमें हेट्रोगैमेटिक कौन है. ह्यूमंस में हेट्रोगैमेटिक मेल था, यहां पे बर्ड्स में हेट्रोगैमेटिक फीमेल है क्योंकि फीमेल में X के साथ W है और मेल यहां पर होमोगैमेट. तो आपको याद क्या करना है, बर्ड्स में फीमेल इन बर्ड्स फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक. बस इतना याद करना है आपको. और मेल कैसा है? होमोगैमेटिक. मेल कैसा है? होमोगैमेटिक. समझ में आया? सो दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ओके, थैंक यू.